अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने इंस्टेंट गीजर के जेट चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपका गीज़र नेचुरल गैस पे चल रहा है और आप इसको LPG यानी सिलेंडर पे चलाना चाहते हैं तो आपको इसके जेट बदली करना पड़ेंगे। और अगर आपका गीज़र सिलेंडर पे चल रहा है और आप इसको सुई गैस पे या कुदरती गैस पे चलाना चाहते हैं तो इन दोनों सूरतों में आपको अपने गीज़र के जेट तब्दील करना पड़ेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए इसको उतार के रखा है। अगर आप चाहें तो आप इसको जिधर ये इंस्टॉल है, जिधर ये लगा हुआ है, उधर लगे लगाए में भी आप इसके जेट चेंज कर सकते हैं इसको खोल के। तो दोस्तों, मेरे सामने एक 8 लीटर का गीजर पड़ा हुआ, अभी मैं इसके जेट चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह ठीक करना है। सबसे पहले आप इनके नाब को निकालें। इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, कई दफ़ा ये फंसी होती तो इसको ज़ोर से खींचेंगे तो ये इस तरह निकल जाएंगे। जैसे कि हमारे सामने जो 8 लीटर का गीज़र पड़ा हुआ है इंस्टेंट गीज़र, इसमें नेचुरल गैस के जेट लगे और मैं इस पर LPG के जेट लगाऊंगा। इसको जेट लगाने के लिए आपको इसकी असेंबली खोलनी पड़ेगी। यहाँ से आप पिचकस की मदद से इसको खोलेंगे और ये पिचकस आपके पास लंबी शाफ्ट वाला होना चाहिए इसको, और इसकी टिप जो आगे से जो बनी हुई है, ये इसका जो मुँह है ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए ताकि ये जो है खोलते हुए आपका जो पेच है वो कोई स्लिप ना हो जाए। अगर इसका पेच स्लिप हो जाएगा तो उसको खोलना मुश्किल हो जाएगा और उसको खोलने के लिए फिर आपको पूरी जो गीज़र की फिटिंग है ये निकालनी पड़ेगी। कवर उतारने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने जो आपका गीज़र है उसके यहाँ पे ये पेच लगे होंगे, 1, 2, 3 और 4, ये चारों पेच बारल आप खोलें। सबसे पहले आपने ये पेच खोल लें, दोस्तों ये दोनों पेज खोलने के बाद जो आपने दूसरे पेज खोलने हैं वो इसके नीचे लगे हुए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, उन दोनों पेजों को खोलने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, ये जो होल दो बने होंगे ये आपके गीज़र के इन जेट असेंबली को खोलने के लिए ही बने होते हैं। आपने इन दो होल की मदद से इसके दो पेज खोलने हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक ये वाला पेज है इसका और एक इसके नीचे सेम इसकी साथ ही का ही लगा हुआ है, वो मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपने ये पिचकस की मदद से इसको खोलना है। तो दोस्तों, आपने ये दोनों पेज खोलने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा खींचना है और ये इस तरह का निकल आएगा। इस ये जिसके जेट हैं 1, 2, 3 और दूसरी साइड पे भी इसके 1, 2, 3, ये इसकी जेट असेंबली है और ये इसके जेट हैं। इसको मैं अभी आपको खोल के बता देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसके 6 के 6 जेट खोल दिए हैं, ये जेट असेंबली है। दोस्तों, जो 8 से 12 लीटर के गीज़र हैं इंस्टेंट गीज़र, उनमें ज़्यादातर तो 8 और 13 जो है वो जेट लगे होते हैं, पर कुछ ऐसे मॉडल भी हैं जिनमें 6 जेट लगे। तो ये आप पहले खोल के देख लें कि आपके गीज़र में कितने जेट लगे हुए हैं, उसके बाद आप अपने जेट ले के आएँ और उनको बदली करें। ये देखें दोस्तों, ये जो जेट मैंने खोले हैं ये सुई गैस वाले हैं जो को नेचुरल गैस है, और अब मैं इसको ये LPG वाले जो जेट हैं ये लगा रहा हूँ। पहले मैं इसको लगा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। बस तो आपने ये लगा के इसको बस इस तरह टाइट कर देना,
आपके पास प्लास रेंच या कोई भी चीज़ हो इसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये मैंने जट लगा दिए हैं। अब हम इसको वापस फिट करते हैं। वापस फिट करने के लिए आपने पहले ये नीचे वाले जो दो पेच हैं ये पहले लगाने हैं और ये जो ऊपर वाले हैं ये फिर बाद में लगाने हैं। यहाँ पे रखने के बाद आपने इसको नीचे वाले पेच पहले लगा लेना। इसको थोड़ा लूज ही रखना है, जब दूसरा पेज लगाएंगे तो उसके बाद इसको टाइट करना। फिर दोस्तों वो दोनों पेज लगाने के बाद फिर आपने ये वाले पेज लगाने हैं इसके। फिर आपने ये वाली पतरी इसको लगा देनी है जो सेफ्टी के लिए रखा हुआ है ताकि बर्नर का जो शोला है वो इसके डैमेज ना करे केसिंग को। यहाँ तक दोस्तों हमारा ये जेट लगाने का काम ख़त्म हो गया। अब हमने इसको बंद करना है इसकी केसिंग। ये आप देख लें ये जो इसकी तारें हैं ये कनेक्टर बने होते हैं, लॉक सिस्टम है इसका, जो सामने टेम्परेचर मीटर है ये उसके लिए होता है। तो ये बड़ा इजी है लगाना वापस इसको, ये उसी में लगेगा जिसका ये होगा, दूसरे में नहीं लगेगा। ये आप देख रहे हैं कि ये छोटा है ये वाला, ये आप देख रहे हैं ये वाला छोटा है और एक इसमें ये वाला बड़ा है। तो ये मिक्स नहीं होंगे, ये आसानी से वापस लग जाएंगे आपके। इसको थोड़ा प्रेस करें, दबाएंगे तो ये वापस लग जाएगा, खींचेंगे तो उतर भी जाता है। बस दोनों इसकी तारे लगाने के बाद आप इसको कवर लगा दें इसका। दोस्तों कवर लगा के आप इसके बॉटम और जो इसकी टॉप साइज है इन दोनों साइडों पे इसके पेच लगे होते हैं वो आपने टाइट करनी है। तो देखा दोस्तों आपने, गीज़र के जेट लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक प्लास और एक आपको पेचकस चाहिए। इसकी मदद से आप ये सारा आप अपना काम कर सकते हैं।